नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अखिलेश ने नरेश उत्तम को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। सपा मुख्यालय से हटाई गई शिवपाल की नेम प्लेट, अखिलेश समर्थकों ने सपा मुख्यालय पर किया कब्जा। मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए बाहर किया पार्टी से। 5 जनवरी को बुलाया समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। मुलायम से मिलने अमर सिंह लंदन से भारत आएंगे। रोहतक की रैली में अरविंद केजरीवाल पर फेंका गया जूता, आप कार्यकर्ताओं ने की युवक की धुनाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने अपने चमचों से फिकवाया जूता। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, हम अमन चाहते हैं लेकिन ताकत के इस्तेमाल से परहेज नहीं। भारत के स्टार खिलाड़ी सोमदेव देव वर्मन ने पेशेवर टेनिस से की संन्यास की घोषणा। चोटों से परेशान सोमदेव वर्मन ने लिया संन्यास, ट्वीट कर कहा, 2017 की शुरुआत पेशेवर टेनिस से संन्यास लेकर कर रहा हूं। वर्षों तक मेरा समर्थन करने और इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। और निजी सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है कंप्यूटर पर भरोसा। ट्रंप ने कहा, अगर आपके पास कुछ अति महत्वपूर्ण है तो इसे लिख लें और पुराने तरीके कुरियर की मदद से भेजें, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर नहीं है सुरक्षित। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।